अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है सेल्फ़ आयनाइजेशन ऑफ वाटर है, जिसमें पीएच स्केल के हवाले से हम जानेंगे कि कैसे हम पता चलेंगे कोई एसिडिक है या बेसिक है। वाटर मॉलिक्यूल्स के लिहाज से जो है वो हाईली पोलर होता है। हाईली पोलर होने की वजह से कोलिजन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स एनर्जेटिक होती है और ट्रांसफ़र ऑफ प्रोटॉन होता है वन मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ वाटर के। ये देखें हाइड्रोजन वाटर के मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो रहा है एरो के निशान से और आगे जाके हाइड्रोजियम आयन और हाइड्रो ऑक्साइड आयन में चेंज हो जाता है। अब इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स में डोनेट हो जाता है या लूज़ हो जाता है प्रोटॉन, और उसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव बन जाता है। अगर तो इलेक्ट्रॉन गेन हो एक्सेप्ट हो प्रोटॉन, अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो प्रोटॉन एक्सेप्ट होगा तो पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा, और अगर लूज़ हो तो हाइड्रो ऑक्साइड बन जाएगा। तो इस रिएक्शन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2H2O, और ये हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रो ऑक्साइड नेगेटिव ये इसमें चेंज हो जाता है। उसी रिएक्शन में टू वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि सेल्फ आयनाइजेशन हो रहे हैं। सेल्फ देखें ऑटो आयनाइजेशन, खुद आयनाइज हो रहे हैं, इसमें कोई और डिफरेंट एलिमेंट्स कंपाउंड वगैरह शामिल नहीं है। इसे सिंपल आयनाइजेशन ऑफ वाटर भी कहा जाता है। हाइड्रोजन आयन है, और यहाँ पे दोबारा इसे वाटर की सेल्फ आयनाइजेशन को, इस रिएक्शन को इस तरह भी लिखा जाता है, वाटर हाइड्रोजन आयन में और हाइड्रो ऑक्साइड आयन में चेंज हो रहा है। वाटर क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, सेल्फ आयनाइजेशन इसकी डिफिकल्ट होती है, तो इसका जो स्मॉल एक्सटेंट पे होती है, तो इसका जो कंसंट्रेशन है वो हाइड्रोजन और आयन और हाइड्रो ऑक्साइड की वो 10^-7 तक जाती है, जो कि अगर उसका केसी हम फाइन करें तो केसी हाइड्रोजन आयन हाइड्रो ऑक्साइड ऊपर आ जाएगा और रिएक्टेंस वाटर नीचे आ जाएगा। और कंसंट्रेशन उसकी केसी का जो है वाटर को अगर इस तरफ ले आए लेफ्ट साइड पर, तो ये हमारा kW बन जाता है, जिसे आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वाटर कहा जाता है, जिसकी वैल्यू 10^-7 दोनों को मिला के 10^-14 और टेम्परेचर 25 पे होगा। तो और ये इनकी हाइड्रोजन और हाइड्रो ऑक्साइड की 25 पे इक्वल कंसंट्रेशन होगी, दोनों की वैल्यू सेम इक्वल होगी। अब हम अगर इसका नेगेटिव लॉग ले लें, लॉग अगर हम ले लें नेगेटिव, तो ये pH में चेंज हो जाएगा, और एक प्योर वाटर का जो है वो 10^-7 हाइड्रोजन और हाइड्रो ऑक्साइड भी -7 हो गया, और लॉग लेने से इसका 7 आ जाएगा। तो इसका मतलब वाटर जो है वो प्योर वाटर, वो 7 pH वैल्यू होगी उसकी, और अगर pH वैल्यू 7 से कम है तो वो एसिडिक की तरफ जाएगा, और उसमें हाइड्रोजन आयन इंक्रीज़ करेंगे और हाइड्रो ऑक्साइड डिक्रीज़ करेंगे। अब kW की इंपॉर्टेंस क्या है, इस लिहाज से टेम्परेचर डिपेंडेंट है। कोई भी एक्वियस सॉल्यूशन जो है 25 टेम्परेचर पर, उसका उसमें हमने देखना होगा कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी, उसके लिहाज से हम बता सकते हैं ये एसिडिक है या बेसिक है। तो इसी तरह यहाँ पे नीचे अगर तो उसका 10^-7 है तो न्यूट्रल है, अगर तो ग्रेटर है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन तो वो एसिडिक बन जाएगा, और अगर स्मॉलर है तो बेसिक बन जाएगा। दूसरे वर्ड में बेसिक 7 से ग्रेटर होगा तो बेसिक होगा, और उसमें हाइड्रो ऑक्साइड की ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे और हाइड्रोजन आयन डिक्रीज़, और एसिडिक में हाइड्रोजन आयन इंक्रीज़ करेंगे और डिक्रीज़। ये डिफरेंट एग्जांपल हैं, जैसे pH 0 बैटरी एसिड की होती है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड की है, 1 हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रेटेड बाय स्टमक लीनिंग, ये स्टमक में जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रेट होता है उसके बारे में। लेमन जूस की 2 है, इसी तरह ग्रेप फ्रूट की 3 है, टोमेटो जूस की 4 है, सॉफ्ट ड्रिंक की 5 है, यूरिन की 6 है, प्योर वाटर की 7 होगी। इससे आ गया बेस वाले शुरू में, 8 सी वाटर बेस में आ गया, 9 बेकिंग सोडा, ग्रेट साल्ट लेक जो है 10 है, अमोनिया सोल्यूशन 11 पे है, सोपी वाटर 12 पे है, ब्लीच 13 और लिक्विड ड्रेन क्लीनर 14 pH, ये सारे बेसिक में आ जाएंगे। इसी तरह कुछ एग्जांपल यहाँ पे भी हैं प्लांट्स हैं जिनकी pH है, एप्पल की pH रेंज जो है 5 से 0.5 से 7 तक है।